साथियों, आज नई गढ़ी की पावन भूमि पर एक ऐसे दिन आम सभा का आयोजन किया गया है जिस दिन पूरी दुनिया के अंदर 1 मई 1886 को दुनिया के मजदूर कब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में इस मई दिवस को अपन लोग मनाते हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले तमाम लोगों को इस मई दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इंकलाब जिंदाबाद, मई दिवस अमर रहे, मई दिवस के अमर शहीदों को लाख सलाम। तो साथियों, आज नई गढ़ी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जिनको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त है और रीवा जिले में या ये कहा जाए कि बिंध में तमाम भूमि से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, विस्थापन, पुनर्वास, किसानों के सवालों को लेकर के मंदसौर गोली कांड पे पूरे देश के अंदर किसानों की जो समन्वय समिति बनी है, ऐसे तमाम समन्वय गुट जो हैं, इन तमाम तमाम लोगों के द्वारा समर्थित उम्मीदवार कॉमरेड गिरजेश सिंह सेंगर जो आपके इलाके के, आपके गांव के, आपके बेटा हैं और ये मऊगंज देवतालाब नई गढ़ी का जो इलाका है, इस इलाके की शान है, आज इनके समर्थन में ये आम सभा का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि ये जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये लोकसभा के चुनाव ये तय करेंगे कि हमारे देश में देश का जो संवैधानिक ढांचा है, हमारे देश के जो धर्मनिरपेक्षता है, हमारे देश की जो संघीय संस्थाएं हैं, ये सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, ये चुनाव ये तय करने वाला है। हिंदुस्तान के अंदर 67% आबादी जो गांव के अंदर रहती है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, किसान कहते हैं, केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों की वजह से इन 5 सालों में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने जो आत्महत्याएं की हैं, इन आत्महत्याओं पर रोक लगेगी नहीं, ये चुनाव ये तय करने वाला है। हिंदुस्तान के अंदर हर साल करोड़ नौजवान जो बेरोजगार हो रहे हैं, इन नौजवानों के हाथों को काम मिलेगा कि नहीं, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को लेकर के पूरे देश में एक राजनीतिक अभियान, एक चर्चा चल रही है। हमारा वोट ये तय करेगा कि हमारी वोटों से चुन करके जाने वाला जो जनप्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधि पिंड के, रीवा के, जनता के नेता कॉमरेड यमुना प्रसाद शास्त्री, जिनके जो अधूरे सपने हैं बाण सागर से लेकर के तमाम जो परियोजनाएं थी, जो अधूरे काम थे रीवा जिले के अंदर, आम जनता के ज्वलंत जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के संसद के अंदर चर्चा होगी कि नहीं, ये तमाम फैसला करेगा आपका वोट। हम लोगों को मालूम है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 5 साल से केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में देश की जनता ने कांग्रेस यूपीए 2 का जो कार्यकाल था, मनमोहन सिंह का, जो महंगाई और भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से देश की जनता त्रस्त थी, हिंदुस्तान की जनता बदलाव चाहती थी, एक विकल्प न मिलने की वजह से हिंदुस्तान के जो औद्योगिक घराने हैं, टाटा, बिरला, डालमिया, चरतराम, भरतराम, किर्लोस्कर अंबानी, गौतम अडानी से लेकर के मुकेश अनिल अंबानी जैसे कारखानों के मालिकों ने, पूंजीपतियों ने एक चुनाव के एक साल पहले से 2013 से एक ऐसा अभियान चलाया कि हिंदुस्तान की जो जनता के जो सवाल है, गरीबी है, बेकारी है, भुखमरी है, किसानों के मुद्दे हैं,
ये तमाम समस्या का एक हल है कि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हिंदुस्तान की तमाम समस्याओं का हल हो जाएगा। इस देश की भोली भाली जनता ने गुस्से में आकर के कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए हमारे देश के 31% लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। 69% जनता भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ थी और हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी सरकार बनी जिस सरकार ने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब है, हिंदुस्तान के अंदर जो भुखमरी है, हमारे देश का इतना पैसा विदेशों के अंदर जमा है कि सत्ता में आने के बाद हर देश के नागरिक जिनका बैंकों के अंदर खाता है हर खाते में 15 लाख रुपया पहुंच जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं जितने लोग अपने यहां बैठे हैं इनमें से कितने लोग हैं जिनके 5 साल में बैंक के खाते में कोई पैसा 15 लाख रुपया किसी के बैंक खाते में आया? अगर आया हो तो हाथ उठाओ, एक भी व्यक्ति बता दे 15 लाख रुपया किसी के बैंक खाते में नहीं आया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जनता को लूटने के लिए इन लोगों ने नोटबंदी जैसे धमाका किया और हमारे जिस तरीके से इन लोगों ने प्रक्रिया शुरू की, आज बैंकों के अंदर हमारे जो खाते हैं हम पैसा जमा करें पैसा निकालें पैसा की निकासी या जमा में हर के बैंक खाते में पैसा कटता है। तो आज हमारे सामने ये मुद्दा इनका खत्म हो गया। इस देश के किसानों के सामने ने वादा किया था कि हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों अगर हम सत्ता में आते हैं तो हिंदुस्तान के किसानों को खुदकुशी ना करे, किसानों की लागत को उनको मोल मिले, ये इनका वादा था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद पहला काम किया है केंद्र सरकार ने कि हिंदुस्तान के किसानों के संघर्षों की वजह से जो हम अपने अनाज को गेहूं और धान को जो मंडियों के अंदर बेचते थे केंद्र से जो 100 रुपया प्रति क्विंटल हम किसानों को समर्थन मूल्य मिलता था, केंद्र सरकार ने सत्ता में आने के बाद 4 साल तक 100 रुपया समर्थन मूल्य को बंद कर दिया। दूसरे ने धमाका किया हिंदुस्तान के अंदर ये जो किसान है ये किसानों की जमीनों पे जो औद्योगिक विकास के नाम पे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां जबरिया किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करके कहीं बिजली पावर बिजली का प्लांट कहीं सीमेंट प्लांट लगाया जाता है कहीं 4 लाइन के नाम पर जमीनें अधिग्रहण की जाती है। ये किसानों ने लंबा संघर्ष किया, देश में पहली बार संसद के अंदर 2013 में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश हिंदुस्तान के किसानों के संघर्षों की वजह से पास हुआ। इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस देश के जो बड़े पूंजीपति गौतम अडानी और अंबानी इनको लाभ देने के लिए हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो थी जो पूंजीपतियों ने अधिग्रहित की थी आर्थिक झोन के नाम पे उद्योग धंधों के नाम पे जिस जमीन पे 5 साल तक जमीन कब्जा करने के बाद भी उद्योगों का नाम पे एक कीट भी नहीं लगी थी। 2013 का जो कानून था वो कानून ये कहता था कि हिंदुस्तान में जिन किसानों की आपने जमीनें अधिग्रहित की है 5 साल तक उस जमीन पे जिस मद पे आपने लिया है अगर उसका उपयोग नहीं होगा तो 5 साल बाद जमीन का मालिक किसान होगा। पूंजीपतियों को लगा कि अगर ये कानून चला तो हिंदुस्तान का किसान जिन जमीनों को दे चुका मुआवजा ले चुका उस जमीन का मालिक किसान होगा। मोदी सरकार ने 2 साल तक 2014, 2015, 2016 दो साल में 3 बार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2015 लेकर के आई, लोकसभा ने पारित किया बहुमत था, राज्यसभा में पास नहीं कर पाए और हिंदुस्तान की राजनीति में एक भूचाल आ गया। हिंदुस्तान में भूमि से जुड़े मुद्दों को लेकर के जिस संत
संगठन का मैं प्रतिनिधि, अखिल भारतीय किसान सभा, वामपंथी किसान संगठन, मेघा पाटकर से लेकर डॉक्टर सुनीलम, स्वामी अग्नेश योगेंद्र यादव से लेकर जमीन के सवालों को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर 200 से ज्यादा संगठनों ने राष्ट्रीय पैमाने पर संघर्ष किया और आखिरी में देश के किसानों की पहली जीत हुई। नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों के सामने घुटना टेकना पड़ा। अब रोम यदि ग्रहण अध्यादेश 2015 को केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। ये किसानों की ऐतिहासिक जीत थी। हिंदुस्तान के अंदर हम किसान हैं, हम लगातार ये कह रहे हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को लागू किया जाए, किसानों की लागत का 1.5 गुना मोल दिया जाए। लेकिन ये सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बजाय, लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बजाय, हिंदुस्तान का किसान इसी मध्य प्रदेश के अंदर 6 जून 2017 को मंदसौर के अंदर हमारे जैसे किसानों ने आंदोलन किया कि हमको लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलना चाहिए। किसानों की बात करने वाली है सरकार, मंदसौर के अंदर किसानों पे गोली चली और हमारे आपके के परिवार के अन्नदाता किसानों के 6 बेटों को उनके सीने को गोली से छलनी कर दिया गया इसी मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद मध्य प्रदेश में उसी मंदसौर में राष्ट्रीय पैमाने पे 300 से ज्यादा किसान संगठन एक हुए। हिंदुस्तान के कोने कोने में किसानों के 4 जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर के पूरे देश के अंदर रैली जत्थे निकाले गए। उनमें जो मांग है, जो लड़ाई चल रही है, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन ये जो जंग लड़ी जा रही है किसानों की, हमारी पहली मांग ये है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कृषि का उत्पादन बढ़ाना है, किसानों की आत्महत्याओं पर रोक लगाना है, किसान आत्महत्या सम्मान से अगर जिए तो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करो। दूसरी हमारी मांग ये है कि किसानों की जो लागत है उनकी फसलों का दाम 1.5 गुना लागू करो। भाजपा के लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारी सरकार 1.5 गुना मूल्य दे रही। अरे हम किसान हैं, किसान की खेती की जो लागत है, बीज है, खाद है, सिंचाई है, मजदूर है, उसके साथ साथ किसान के जिस जमीन पर हम खेती कर रहे हैं, एक आदमी जमीन को जो ठेके पर लेता है फसल बोने के पहले, ठेके पे लेने वाले किसान को उस जमीन के मालिक की कीमत देना पड़ती है, उस मूल्य को शामिल करिए, वो है लागत के 1.5 गुना मूल्य। तीसरी हमारी जो मांग है कि हिंदुस्तान के अंदर कर्मचारी तबका है, 60 साल 62 साल नौकरी करते हैं, नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद उनको पेंशन मिलती है। इस देश का किसान दूसरों के पेट भरने के लिए पूरी जिंदगी चलचलाती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में, बरसात में दूसरों के पेट भरने के लिए अनाज पैदा करता है, लेकिन वो किसान जब बुढ़ापा आता है, जब शिथिल हो जाता है, उस किसान के लिए जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं। लगातार हम ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसानों को 5,000 रुपया मानसिक पेंशन में पेंशन की सुविधा मुहैया कराओ। ये लड़ाई चल रही पूरे देश के अंदर। हमारा ये कहना है कि ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को अगर संसद के अंदर आपको लगता है इस देश के 67% किसानों की आवाज संसद के अंदर गूंजे, संसद में किसानों को मुद्दों में बातचीत हो, तो गिरजेश सिंह सेंगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि है, ये बुलंदी के साथ लोकसभा के अंदर इन किसानों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल हमारे सामने है, हम नौजवान हैं, हम किसान हैं, हम मेहनत मजदूरी करके आधा पेट खाना खा के अपने बच्चों को शहरों के अंदर, दूसरे कस्बों के अंदर उनको शिक्षा की सुविधा मुहैया कराते हैं। हमारी इच्छा होती है कि हमारे किसान का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसलिए बने कि हम चाहते हैं कि
अधिकार मिले, लेकिन इस देश के अंदर जो है सरकार है, इस सरकार की जो नीतियां हैं, मैं जबलपुर शहर का रहने वाला एक उदाहरण देता हूं। जबलपुर शहर है जहां पे एशिया की सबसे ज्यादा अर्नेस्ट फैक्ट्रियां थी, गोला बनता था, बारूद बनता है, तोपें बनती है, सेना का डिपो है। इस सरकार के सत्ता में आने के पहले, नई आर्थिक नीतियां लागू होने के पहले, जबलपुर में 1991 तक 6 आर्डिनेंस फैक्ट्री के कारखानों में 54,000 कर्मचारी काम करता था, 54,000। लेकिन सब दोनों पार्टियों की नीतियों की वजह से आज जबलपुर के सुरक्षा संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 12,165 है, 42,000 पद एक शहर के अंदर, एक सुरक्षा संस्थानों के अंदर खाली है। खाली क्यों है? पद खाली है तो काम कौन कर रहा है? जो पद खाली हो रहे हैं उन पदों को समाप्त करोगे, नई भर्ती नहीं करोगे, और पूरा का पूरा जो काम है वो काम ठेका प्रथा पे ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। आप लोग नौजवानों के रोजगार के अवसर छीन रहे हैं, और ये सरकार, ये तमाम जो मुद्दे हैं, महंगाई का जहां तक सवाल है, हम लोगों ने देखा कि चुनाव के 6 महीने पहले तक हिंदुस्तान का पूंजीपति, जिसको केंद्र सरकार ने तेल का ठेका दे दिया है, चाहे रसोई गैस हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, ये अंबानी परिवार, इस 6 महीना पहले तक ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन सुबह डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि न होती रही हो? अगर डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो बस भाड़ा बढ़ेगा, माल भाड़ा बढ़ेगा, और उसका सीधा असर इस देश की महंगाई पर पड़ता है। और इस देश की सरकार ने अंबानी को लाभ देने के लिए तेल उत्पादक जो कंपनियां हैं उनको सरकार ने नियंत्रण से मुक्त कर दिया। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और उसके बाद जब जनता इन सवालों को लेकर के लड़े तो जनता का ध्यान असली मुद्दों से बांटने के लिए, जब चुनाव आएंगे तो मंदिर याद आएगा, जब चुनाव आएंगे तो जिसकी हम पैदा होते थे पूजा कर रहे गाय की, उनको गाय याद आएगा। इस देश का नौजवान, मजदूर किसान का बेटा, अपनी सरहद की रक्षा करने के लिए से सरहदों पर तैनात होता है, जब चुनाव आएंगे तो हिंदुस्तान का नौजवान अगर शहादत देगा तो उसके शहादत पर भी राजनीति करेंगे, क्योंकि नेता पूंजीपतियों का बेटा सेना में अर्धसैनिक बलों में भर्ती नहीं है, वीरता दिखाएंगे। इनसे पूछो, हिंदुस्तान के अंदर 5 साल से तुम्हारी सरकार है, जिनके नाम पे तुम आंसू बहा रहे हो, हमारे भाइयों ने शहादत दी है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो अर्धसैनिक बल है, बीएसएफ के लोग होंगे, सीआरपीएफ के लोग होंगे, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, उनको ये सरकार, वो सरकार, इन सरकारों के राज में हिंदुस्तान के अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा नहीं है। हिंदुस्तान में शहीद माना जाता है सिर्फ सेना के जवानों को, उनको शहीद का दर्जा नहीं दोगे। चुनाव आएंगे उनके नाम पर वोट मांगोगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कहेंगे हम 1 करोड़ दे रहे हैं, 50 लाख दे रहे हैं, कोई हम गाड़ी घोड़ा है कि हमारी गाड़ी घोड़ा की कीमत हमारी शहादत से जोड़ो? हिंदुस्तान के अंदर ये सरकार जो है, ये सरकार अर्धसैनिक बल जो है, जो सरहद पर शहादत देते हैं, इनको हिंदुस्तान के अंदर पेंशन की सुविधा नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा, उनको पेंशन नहीं मिलती है। उसके बाद चुनाव आ गए, धर्म चाहिए पाकिस्तान पे, सेना पे, इसका मकसद क्या है? अरे देश हमारा है, सेना
सेना के देश की हिफाजत करने के लिए मजदूर किसान के बेटा जाते हैं, नेताओं के कारखानों के मालिक पूंजीपतियों का एक भी बेटा अगर हिंदुस्तान के अंदर सेना में हो तो मुझे बता दो। लेकिन जनता का ध्यान बांटना है, वो चाहते हैं कि इस चुनाव में मुद्दों में बांटना हो। इसलिए साथियों, हमारा आप लोगों से निवेदन है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में ये जो आपका नई गढ़ी देव तालाब जो ये क्षेत्र है, मनगवा जो आप पूरा रीवा जो है, आपके खुद का बेटा मान लो, जो प्रत्याशी उसके पिता नहीं है, उनको आप लोगों का साया की जरूरत है, अपने घर का बेटा मान लो, इस क्षेत्र का नौजवान मान लो, और रीवा के अंदर संघर्ष का प्रतीक मान लो। ब्रिजेश सेंगर चुनाव नहीं लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे हैं वो तमाम लोग जो राजनीति में परिवारवाद का विरोध करते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं जो जुल्म अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को और ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक बार आप लोगों से विनम्र निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस चुनाव में आपके अपने उम्मीदवार ब्रिजेश सिंह सेंगर, जिनका चुनाव चिन्ह हसिया हथौड़ा सितारा है और संयोग से एक चल रहा है, 11 को फार्म भर गया, आज 1 मई है, इनका चुनाव चिन्ह 1 नंबर पर है, 1 नंबर की बटन दबाइए और 23 मई को जब रिजल्ट आए तो ब्रिजेश सेंगर 1 नंबर पर पहुंचकर उनको संसद में पहुंचाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।